हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी कोशिश है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत कम सामानों में आप लोग को हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं लेके आई हूं सिर्फ गेहूं के आटे और चने दाल से बनी चटपटी सी भरवा इडली। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने पूरी रात चना दाल सोख करके रखा था और इसको वॉश कर लिया। साथ में मैंने लिया है 6-7 लाल मिर्च, 15-16 लगभग लहसुन की कलियाँ हैं ये, और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, 3-4 कटी हुई हरी मिर्च। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने मिक्सर और इसमें जाएगा ये चना दाल, लहसुन की कलियाँ और जाएगा ये लाल मिर्ची। इसको हम एक थिक सा पेस्ट बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए। ये पेस्ट बनके तैयार हुआ है। इसको बहुत फाइन नहीं किया गया है, ये थोड़ा दरदरा ही है। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं हरी मिर्च, धनिया पत्ती। कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा चटपटा ही रखते हैं इसमें, और ये जाएगा थोड़ा सा हींग। इन सभी को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके स्टफिंग के लिए आटा तैयार करते हैं। इसके लिए लिया है लगभग मैंने 300 ग्राम आटा, उसमें जाएगा ये थोड़ा सा नमक। इसको मिक्स करते हुए एक नॉर्मल सा डो तैयार करेंगे, जो न बहुत टाइट होगा न बहुत गीला होगा, कुछ ऐसा होगा। अब मैं एक बड़ी सी लोई लेके खूब बड़ी सी रोटी तैयार करूंगी, वो थोड़ी मोटी ही रहेगी रोटी। अब इसे मैं किसी गिलास या कटोरी की सहायता से छोटी छोटी रोटियां कट करके एक बराबर तैयार कर लूंगी। इस तरह से बहुत आसानी से रोटियां बन भी जाती हैं और दिखती भी सुंदर हैं। अब मैं एक रोटी को लेके उसके बीच में सेंटर में रखते हुए कुछ इस तरह से बस हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसको बंद नहीं करना है, ऐसे ही खुले रहना। इस तरह एक एक करके सभी को भर लेंगे। ये मैंने सभी को भर के तैयार कर लिया है और मैंने एक पैन में पानी गर्म होने को रखा था, जो अब गर्म हो गया है। इस पे रखेंगे एक जालीदार बर्तन, कोई भी रख सकते हैं आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो। इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे, पानी खोल चुका है। इस पे हम एक लेयर थोड़ा दूर दूर रखेंगे ताकि जो बर्तन का छिद्र है उससे स्टीम ऊपर आता रहे। एक लेयर रखने के बाद इसको मैं ढक दूंगी और 1 मिनट बाद मैं फिर दूसरी लेयर रखूंगी। ये देखिए, इन सबों पे स्टीम इकट्ठा हो गया। इससे क्या होगा, जब मैं दूसरी लेयर रखूंगी तो ये एक दूसरे से आपस में चिपकेंगे नहीं। अभी मैंने दूसरी लेयर भी रख के इसको ढक दिया है 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़े और बचे हैं जिसको मैं तीसरी लेयर में रखूँगी। इस तरह आपके पास जितने भी उस बर्तन में आ जाएं एक बार में पका सकते हैं। और उसको मैं अब 15 मिनट के लिए ढक दूँ। 15 मिनट हो गए हैं, अब ये मेरे पक के तैयार हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी और देखिए इसको ये कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं। बस ऐसे करके एक एक करके सभी को निकाल लूँगी। देखिए ये बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, कोई भी एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। ये आपकी इडली तैयार है। आप चाहे ऐसे खाएं या राई करी पत्ते से तड़का देके चाय के साथ एंजॉय करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।